हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जो ओल्ड न्यू किया कि सोनेट आ रही है, सो उसके बारे में हम आज यहां पे बात करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है सो उसको जाके जरूर दबा दीजिए, और साथ ही में जो बेल के आइकन वाला बटन दिख रहा है सो उसको भी यहाँ पे आप दबा दीजिए, ताकि आप मिस ना करो जो हमारे कार्स एंड बाइक पे मॉडिफिकेशन की वीडियोस ना मिस करो, एंड जो कार और बाइक पे हम रिव्यूज के वीडियोस बनाते हैं उसको भी आप ना मिस करो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस तो यहाँ पे अब किया ने अपनी सेल्ट्रोस और कार्निवल के साथ अपनी तीसरी गाड़ी किया सोनेट को भी यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। सो किया की सोनेट को लॉन्च करने के बाद इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी विटारा, ब्रेजा, ह्युंडई वेन्यू एंड होंडा WRV, इन सभी गाड़ियों के साथ बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन यहाँ पे होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल मिलने वाली है, और इसके नीचे जो व्हाइट या फिर सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे बॉर्डर मिलने वाली है। और यहाँ पे किया ने न्यू फ्रंट हेडलाइट दिए है, जिसमें आपको डे नाइट रनिंग LEDs भी यहाँ पे आपको मिलने वाली। उसका पूरा न्यू डिजाइन यहाँ पे डे नाइट रनिंग LED का दिया है, उसको क्या कहते हैं सो मुझे तो पता नहीं है, बट वो एक डे नाइट रनिंग LED हेडलाइट्स की डिजाइन बहुत ही जबरदस्त लग रही है। और यहाँ पे फ्रंट बम्पर पे नीचे की तरफ आपको व्हाइट या फिर सिल्वर कलर में फिनिशिंग मिलने वाली है, जो पूरी फ्रंट से इस गाड़ी को कूलेस्ट SUV वाला लुक देती है। सो हम यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल में आपको एक मिनी SUV टाइप का लुक यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलने वाला है। और इसके जो हम ग्राउंड क्लियरेंस की बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 119 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और हम इसके जो बैक साइड की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक प्रोफाइल में बहुत ही बड़े टेल लैंप देखने वाले हैं, जो होंडा की हमारी जो होंडा की BRV आती है उसमें भी जो दिखते हैं, उसी तरह भी यहाँ पे किया ने सोनेट में भी इतने टेल लैंप बड़े टेल लैंप दिए हैं, पीछे की तरफ बड़े टेल लैंप यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे हम नीचे बम्पर के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट में ही जो जैसे आपको व्हाइट या फिर सिल्वर कलर में फिनिशिंग मिल रही थी, उसी तरह ही आपको यहाँ पे भी बैक प्रोफाइल में व्हाइट या फिर सिल्वर कलर की फिनिशिंग यहाँ पे आपको दिखने वाली है। यहाँ पे हमारा जो फाइनल किया सोनेट का प्रोडक्शन कार डिजाइन थी वो भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। सो ये डिजाइन में ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये 100% प्रोडक्शन कार ऐसी आने वाली है, बट ये आपको शायद 90% तक तो आपको ये ऐसी यहाँ पे किया कि सोनेट आपको यहाँ पे दिखने वाली है। सो आपको ये प्रोडक्शन कार डिजाइन कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और हम यहाँ पे बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर में आपको यहाँ पे यानी अपनी जो इंटीरियर डिजाइन का स्केच है उसको भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। सो आप यहाँ पे इंटीरियर में देख सकते हो, यहाँ पे 10-12 inch की टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और इस टच स्क्रीन डिस्प्ले में एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर इसके AC इवेंट्स की चारों AC इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल AC इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। और क्या क्या फीचर्स मिलने वाले उसके बारे में तो आपको 7 अगस्त के बाद ही पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको इंटीरियर में मिलने वाले। तो यहाँ पे किया अपनी सोनेट को लॉन्च करती है, तो उसके बाद भी यहाँ पे किया सोनेट और ह्युंडई वेन्यू के साथ बहुत ही ज्यादा कंपेरिजन यहाँ पे दिखने वाला, क्योंकि इसका यही रीजन है कि यहाँ पे किया सोनेट और ह्युंडई वेन्यू में आपको एक ही इंजन मिलने वाला है, वो भी 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, एंड जो 1.25 लीटर का है वो पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाला, एंड एक और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे किया सेल्टोस और ह्युंडई वेन्यू के साथ बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपेरिजन यहाँ पे होने वाला है। सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी कार बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सो मेरे को कमेंट जल्दी जाओ और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब बारी आती है इसकी प्राइस के बारे में जानने की। सो यहाँ पे इस गाड़ी की प्राइस होने वाली है आपको यहाँ पे 8 लाख से 12 लाख तक टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।